Before going any further, I would like to talk about my PrepPay course. This course is a very comprehensive course for all the important BBA exams, including IPMAT, DUJAT, NPAT, and many others. At my PrepPay, we believe to make your preparation journey much simpler. This course is designed by your seniors at IIM. So what are some of the special features of this course? You will be given recorded lectures and you will have access to them at 24/7, 365 days. New lectures will be added from Monday to Friday at 8 p.m. Moreover, you will be given mock tests, practice material, PIVAT interview preparation and many more. So what are you waiting for? Quit spending your money on expensive coachings and join my PrepPay course. To know more about the course, you can log on to the website www.myprepfaycourse.com. You can use the coupon Road to IPM to get 1000 off on your purchase. हम लोग का जो next question है, 7th question. The area of an equilateral triangle inscribed in a circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus 25 is equal to. तो ये वाला जो question है, इसमें जो हमारे circle का equation, हम लोग को पहले तो obviously radius और हमें center के coordinates निकालने पड़ेंगे. हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या था माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस 25 है ना, प्लस नहीं माइनस 25 है, सॉरी. तो हो जाएगा हमारा माइनस 25 इक्वल टू जीरो. अब हम लोग पहले सेंटर और रेडियस निकालेंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? अगर हम इसको देखें तो ये 2g हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू माइनस 6, तो हमारा g आ जाएगा माइनस 3 और हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है माइनस g कॉमा माइनस f, तो ये हो जाएगा 3 और ऐसे ही ये हो जाएगा 4. तो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4. इसके बाद जब हम रेडियस निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो माइनस सी होता है तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 25. तो 25 प्लस 25 हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 50 जो कि इक्वल है 5√2 के. तो हमें रेडियस और हमें सेंटर पता चल गया. तो जब हम इसको थोड़ा और वो करेंगे, तो हमने ये सर्कल लिया, हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये हमारा सेंटर हुआ. ये जो होगा ये तो ऑब्वियसली 30 होगा क्योंकि एक 60 होता है, तो 30 हो जाएगा. ये वाला एंगल हमारा होगा 30 और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर. तो हम लोग को रेडियस पता है ना, और हमें क्या निकालना है? अगर हम ये साइड, हम लोग को बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट 3/4 का अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है? ए क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इससे हमारा एरिया निकलता है. तो अगर हमें ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी डी ई, तो हमारा जो ट्राइंगल है बी डी ई, अगर हम बी सी निकाल दें और उसका डबल कर दें तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड पता चल जाएगा. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे साइन 60 is equal to BC upon AB. Sin 60 कितना होता है? Root 3/2 is equal to BC हम लोग को निकालना है और हमारा AB है pi root 2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? BC हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा pi रूट 6/2. तो ये तो सिर्फ बीसी का है. अगर हमें एक साइड का निकालना है, पूरा ये बी डी साइड निकालना है, तो हम बीसी का डबल कर देंगे
तो जो हमारा ए होगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो हमारा होगा किसके बराबर, 2BC के, ये हमारा हो जाएगा 2 × 5√6/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारा ए आ गया 5√6। अब हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया हमारा आएगा √3/4 × 5√6/2, तो ये हमारा आएगा √3/4 × 150। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3/2 × 75 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, √3/2 × 75। ओके, तो पर एक चीज है, अब हम एक चीज पे गौर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं पे, हमारा क्या आया था √3/2 × 75, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से इंटू कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 225√3/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो कभी कभी हमारा जो आंसर होता है डायरेक्टली नहीं करता, शायद ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ इंटू करना हो, तो ये चीजों का भी हमें छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भले ही हम लोग को सोल्यूशन इस टाइम पे आ भी जाए, बट हम लोग को आंसर और अगर ऑप्शंस मैच नहीं करते तो हम लोग ये सोचते हैं अरे गलत आ गया, चलो चलो जल्दी मूव ऑन करो वरना गलत हो जाएगा। तो वहां पे आप इतनी दूर इतना सॉल्व करके आए, बट जस्ट बिकॉज आपने एक बहुत छोटी चीज का ध्यान नहीं दिया, वहां पे आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। वो भी वो मेहनत जो आपको एकदम सही आंसर पे लेके आ गया, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन की वजह से आप रह गए। तो उस वे में ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है, ऐसी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये जो है ये आज हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आईपी मैट में आ रखा है। तो इसका जो क्वेश्चन है, द सर्कल (x²+y²-6x-10y+k=0) does not touch or intersect the coordinate axis if the point 1,4 does not lie outside the circle and the range of k is a,b, then a+b is. तो इसमें जो a,b है, तो जो b है वो क्लोज इंटरवल में और जो a है वो ओपन इंटरवल में। तो हम हमेशा याद रखेंगे जो चीज जो साइड ओपन इंटरवल में लिखी होती है वो इंक्लूड नहीं होती, और बी जो है वो क्लोज इंटरवल में तो वो इंक्लूड होगा। सपोज अगर 1,5 है ऐसे लिखा हुआ है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, जो इंक्लूड होगा वो होगा 2, 3, 4 and 5, 5 भी इंक्लूड होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग रेडियस तो अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि k अननोन है, बस हमें रेंज पता है, हमें रेंज का ही मतलब है उसमें। तो हम इसमें अभी के लिए बेसिकली हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2g = -6, g = -3, 2f = -10, f = -5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,5, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पे। ओके, तो जो हमारा ये नेक्स्ट, हम लोग को अभी रेडियस मिला 3,5। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कुछ डायग्राम हमारा ऐसे होगा, हमें पहले ही बताया हुआ है जो कोऑर्डिनेट जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच क्रॉस नहीं करेगा। सपोज हम लोग का ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और ये जो सेंटर है 3,5 पे है, एंड -1,4 कुछ यहाँ लाई करेगा, और ये बोला गया है कि ये जो -1,4 है ये सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। तो दिस इज 3,5 एंड दिस इज 1,4, तो ऐसा कुछ है। तो हम लोग को बेसिकली बताना है कि k की क्या रेंज होगी, और जो हमारा a और b है हमें उसका सम बताना है। तो इसमें बेसिकली हम दो केसेस बनाएंगे। जो हमारा केस वन होगा वो ये हो सकता है
कि जो 1.4 जो हमारा कोऑर्डिनेट है, क्या पता ये सर्कल पे ही लाए करता हो, तो वो केस लेंगे तो हम लोगों का जो बनेगा, तो हम लोग को ऑलरेडी पता, तो हम लोग को पहले इसमें अगर ये 1.4 सर्कल पे लाए करेगा तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लगा के, तो इसमें हमारा रेडियस आ जाएगा 3.1 का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, तो ऐसे हमारा आ जाएगा इसमें आंसर √5। ओके, तो ये हम लोग का रेडियस आ गया, क्या आ गया रेडियस। ये केस वन हमारा क्या है, जब 1.4 लाइज ऑन सर्कल, ठीक है, तो हम लोग यही जो हम लोग को रेडियस जी स्क्वायर वाला इक्वेशन में हम लोगों ने जो रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करेंगे, हमें रेडियस पता है हम इक्वेट करेंगे, तो √ हम लोग का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और सी क्या था, के था, माइनस के इज इक्वल टू √5, तो रूट से रूट हम लोग हटा देंगे, तो वो हटाएंगे पहले 5 - k इज इक्वल टू √5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 25 - 5 इज इक्वल टू k, तो हमारा k जो है वो 29 आ जाएगा। इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि जो 29 है ये इज इक्वल टू में, यानी ये ओपन इंटरवल की तरफ इशारा कर रहा है कि जो k की जो ये वैल्यू है ये b वाला होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है। अब जो है हम लोग केस टू बनाएंगे, तो उसके लिए पहले मैं ये थोड़ा पार्ट इरेज कर देता हूँ, तो ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग केस टू लेंगे कि जो सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट उसकी रेडियस 3 तक तो जा ही सकता है ना, मतलब उसका जो रेडियस है ये वाला पार्ट एक्स एक्स में 3 है, मतलब यहां से डिस्टेंस इसका 3 है और वाई एक्स में 5 है, तो इसका इतना तो क्योंकि टच नहीं कर रहा है, क्या पता जो रेडियस है वो 3 से थोड़ा सा कम हो, तो हम वही वाला इसमें केस ले लेंगे कि क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो जो रेडियस इज (less than 3) ये वाला केस ले लेंगे, तो अगेन वही वाला चीज होगा 9 + 25 - k √(less than 3)। तो इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जो हमारा (less than 3) है ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये 3 से लेस होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 25 - k (less than 9)। 9 9 कट जाएगा तो हमारा 25 < k आ रहा है, तो हम लोग का पहले क्या आया था k इज इक्वल टू 29, यानी 29 इंक्लूड होगा, यानी ये b की तरफ इशारा कर रहा है कि ये b हो सकता है, और हम लोग को जब ये 25 k इज क्या बोलते हैं k इज ग्रेटर देन 25 मिला, यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये 25 से बड़ा होगा k और इसके इक्वल या लेस होगा 29 के, और इसी का मतलब होता है 25, 29 ये हो जाएगा, तो हमें हमारी ए और बी की वैल्यू मिल गई। हम लोग को बेसिकली बताना क्या था, ए प्लस बी कितना होगा हमारा 25 + 29, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली 54। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी था और पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज हुआ है इसमें। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग बहुत फ्री हो हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे हमसे हम लोग को ये क्वेरीज दोबारा पूछने के लिए। ऑल्सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वॉन्टेड टू शेयर वन क्वेश्चन, ये भी एक IPMAT का ही क्वेश्चन था, तो
ये एक डिस्कशन क्वेश्चन है, इसके आंसर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर नाउ प्लीज कमेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा।